बीइंग एन एंड्रॉयड यूज़र, हमारे फ़ोन में काफ़ी सारे कस्टम स्क्रीन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मीवाई के यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में मीवाई का कस्टम स्क्रीन देखने को मिलता है। अगर आप लोग सैमसंग के यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में सैमसंग की वन यूआई का स्क्रीन देखने को मिलता है। अगर आप लोग वन प्लस रियलमी के यूज़र हैं तो उनके फ़ोन में उनका कस्टम स्क्रीन देखने को मिलता है। और अगर आप लोग स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पिक्सल यूआई देखने को मिलता है। अगर एप्पल के यूज़र हैं तो एप्पल के फ़ोन में आईओएस का स्क्रीन देखने को मिलता है। और जिस टॉपिक पर मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ उसमें है कि आपको हाइपर ओएस का स्क्रीन आपको शाओमी रेडमी पोको के फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि हाइपर ओएस ऑफिशियल लॉन्च हो चुका होगा, या फिर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस दिन हाइपर ओएस ऑफिशियली लॉन्च होने वाला, यानी 26 अक्टूबर को ऑफिशियली ये हाइपर ओएस चाइना में लॉन्च होने वाला। हो सकता है दोस्तों ग्लोबल में भी हमें सेम डे देखने को मिल जाए। तो खैर, ग्लोबल में हो या फिर चाइना में हो, जब भी इसकी लॉन्च कंप्लीट हो जाएगी, रोम हमें मिल जाएगा, हम अपने फ़ोन में से टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को। खैर दोस्तों, इसकी लॉन्च होने वाला है और इसके फीचर्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि हाइपर ओएस में क्या क्या फीचर्स हमें अब तक देखने को मिल चुका है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिला, तो आप लोग मेरी ये वीडियो को चेकआउट करके जान सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिला हाइपर ओएस में। पर आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला, डिस्कस करने वाला दोस्तों, वो हाइपर ओएस में जो लोकेशन कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलने वाला है, उस कस्टमाइजेशन को हम लोग दूसरे कस्टम स्क्रीन से आईओएस से कंपेयर करने वाले हैं। हाइपर ओएस में जो लोकेशन कस्टमाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, या फिर मैं अपने फ़ोन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, अगर हम लोग उससे कंपेयर करते हैं आईओएस को, तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आईओएस से यहाँ कंपेयर करते हैं, देख सकते हैं दोनों जगह में तो कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। आईओएस में एक फीचर आप लोगों को मिलता है डेप्थ इफेक्ट, जो हमें हाइपर ओएस में भी देखने को मिलने वाला है। डेप्थ इफेक्ट में क्या होता है कि आपको जो फोटो होता है वो सामने आ जाता है और फोटो के जो टेक्स्ट होता है वो बैकग्राउंड में चले जाता है। तो इस तरह की जो इफेक्ट है उसे डेप्थ इफेक्ट बोलते हैं, जो हमें आईओएस में देखने को मिलता है 70 में, और इसे हाइपर ओएस में भी इंट्रोड्यूस करने वाला है शाओमी। हाइपर ओएस और आईओएस में कुछ इस तरह के आप लोगों को इंटरफेस और कस्टमाइजेशन मिलता है लोकेशन की। सैमसंग के वन वाई सिक्स कंपेयर करें तो यहाँ पर वन वाई सिक्स और हाइपर ओएस में तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप लोगों को हाइपर ओएस में देखने को मिल रहा है, और वन वाई सिक्स में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन मिलता है लॉक स्क्रीन पे। पिक्सल फोन से दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं, पिक्सल में एंड्रॉइड 14 मिलता है और हाइपर ओएस जो है वो एंड्रॉइड 14 बेस्ड होने वाला है। और इन दोनों की कंपेरिजन करें तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे एनिमेशन देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन मिलता है। पिक्सल में आप लोगों को वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिस तरह की आपको वॉलपेपर है उस तरह की कस्टमाइजेशन आपको पिक्सल फोन में देखने को मिल जाता है, जबकि हाइपर ओएस में देखने को नहीं मिलता है। मे बी दोस्तों हाइपर ओएस में यहाँ शाओमी इंट्रोड्यूस कर दे मटेरियल थीमिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाए, पर एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमें इसकी सपोर्ट, मटेरियल थीमिंग की सपोर्ट शाओमी के मीवाई में भी देखने को नहीं मिलता, हाइपर ओएस में भी देखने को नहीं मिलता है, पर कस्टमाइजेशन आप लोगों को भरपूर देखने को मिल जाता है। तो पिक्सल यूआई और हाइपर ओएस, और दोस्तों जो शाओमी की हाइपर ओएस में जो कस्टमाइजेशन मिलता है, अगर हम लोग मीवाई से ही कंपेयर करते हैं, जो मीवाई 14 में हमें कस्टमाइजेशन मिलता है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आप लोग कस्टमाइजेशन मिलता है आपको हाइपर ओएस में, जो लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन और क्लॉक विजेट है। अगर आप लोग अपने फोन को लॉक करेंगे और एओडी को इनेबल कर लेंगे तो वही लॉक विजेट आप लोग को एओडी स्क्रीन पर भी देखने को मिलता है, जबकि आप लोग को मीवाई 14 में या फिर मीवाई में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की कस्टमाइजेशन हमें हाइपर ओएस की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और एओडी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। और आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को जितने सारे मैंने ये वही आप लोगों को दिखाया है, हाइपर ओएस, आईओएस, हाइपर ओएस, सैमसंग, पिक्सल, मी वाई, इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लगा, या फिर आप लोग कोई दूसरी ई वाई को यूज़ करते हैं, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो को यूज़ करते हैं, वीवो की फंटेस को यूज़ करते हैं, तो इस तरह कोई कस्टम यूआई आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, या फिर कोई कस्टमाइजेशन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कौन सा कस्टमाइजेशन ज़्यादा पसंद आता है, और ये वीडियो में जो मैंने आप लोगों को वीडियो रेफरेंस दिया उसके हिसाब से आप लोगों को कौन सा यूआई ज़्यादा पसंद आया, कौन सा कस्टमाइजेशन ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करिए, वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग भी अपने फ़ोन में हाइपर ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से मिलूंगा उसी वीडियो में।